एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने ये जो चार्ट पिक किया, इन्होंने बहुत टाइम से कहा था अपने चार्ट को देखने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे आप लोगों को बताया कि फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, इस वजह से नहीं टाइम मिल पा रहा। फिर भी कोशिश करते हैं। मनीषा जी का ही है, मनीषा जी का, और उन्होंने पूछा था अपने कैरियर और शादी से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी। गुरु उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं। ये बहुत अच्छे किस्म का चार्ट है। लेकिन आप लोगों को हमने इससे पहले भी एक चार्ट में दिखाया था कि ढेर सारे प्लैनेट्स उच्च के थे, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी लाइफ को नहीं लेके जा पा रहे थे। पहली चीज़ की हर एक वो चीज़ जो कि आप लाइफ को सोचते हो कि आपके लिए अच्छा, वो ज़रूरी नहीं कि वही भगवान ने आपके लिए सुनिश्चित किया हुआ हो। लेकिन फिर भी जब किसी के पास बहुत सारी पोटेंशियल होता है ना, तो उसको पहले गाइड करना जरूरी होता है, नहीं तो वो समझ नहीं पाता कि इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिख रही होगी, उच्च सूर्य है, इनके गवर्नमेंट जॉब को देख रहा है। गवर्नमेंट जॉब ये लेंगे, श्योरली गवर्नमेंट जॉब लेंगे। ठीक है, प्लस उच्च का गुरु है, ज्ञान देगा ही देगा इनको। ठीक है, तो उच्च का गुरु है, फिर उसके पास उच्च का सूर्य है, इस केस में इनको एक बहुत अच्छा जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छा है। ठीक है, उच्च का गुरु है, चंद्रमा के साथ है, ये और भी बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, गजकेसरी बोलते हैं इसको। एक बहुत अच्छा योग है जो आपको डेफिनेटली एक स्ट्रांग फ्यूचर के लिए, एक स्ट्रांग मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए प्रॉमिस कर रहा है। अब यहाँ से गुरु को देखेंगे तो भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो ओवरऑल ये चार्ट अच्छा है और आपको रिजल्ट देगा। बस सुनिश्चित करें कि जो कह रहा है उसको करें। ठीक है, तो सबसे पहले घर में दो नंबर लिखा है जो कि शुक्र का होता है। ठीक है, और शुक्र पे हम देख लेते हैं क्या कोई और प्लेनेट देख रहा है। शनि की दसवीं दृष्टि है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके संघर्ष के कारक भी हैं, समझ लीजिए इनकी वजह से संघर्ष आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग पॉजिटिव वे में निकालेंगे, कैसे वो भी चेक करते हैं। ठीक है, तो शनि की दृष्टि है, ठीक है, और शनि की दृष्टि है इन आपके ऊपर, और दो नंबर यानी शुक्र, शुक्र जो है आपके लग्न के स्वामी है, और शुक्र उच्च के होके बैठे हुए हैं। ठीक है, डिग्री भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दिखेगा कि ये लग्जरी पसंद भी होते हैं ये लोग। ठीक है, लग्जरी पसंद होते हैं दो नंबर की वजह से। दो नंबर वृषभ होता है, ठीक है, तो इनमें धैर्य भी होता है, रणनीति भी बना लेते हैं। ठीक है, ये इनके काम की चीज़ होती है शुक्र के साथ। ठीक है, मतलब तरीके से कह सकते हो, कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हो, किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बनाना तो भी ये बहुत अच्छा काम कर लेते हैं शुक्र। ठीक है, मतलब प्लान करके करना भी बहुत अच्छी बात है। उच्च का सूर्य भी यही कह रहा है कि प्लान कर लेंगे, तो बेसिकली करना भी आपको यही है। ठीक है, तो पहले घर में शनि के देखने का मतलब हो गया कि आपके लाइफ में थोड़ा संघर्ष, उसके अलावा थोड़ा सा आपको जो गलत चीज़ें हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगी। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिखा रहा है। अब यहाँ से मंगल को देखिए, मंगल की तीसरी दृष्टि आ रही है आपकी वाणी भाव में, सॉरी फोर्थ दृष्टि। अब मंगल की चौथी दृष्टि का मतलब ये है कि आपकी वाणी में एग्रेशन आ जाता है, इसको आप डेफिनेटली कंट्रोल करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मंगल को कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपका वाणी भाव नहीं ख़राब होना चाहिए। किसी भी इंसान के लिए वाणी भाव को नहीं ख़राब करना चाहिए क्योंकि उसका जॉब और बिजनेस दोनों ही नहीं चल पाएगा फिर, ऑब्वियसली आप जानते ही हो, क्योंकि अच्छी वाणी से ही सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा वाणी भाव पे कंट्रोल करें। ठीक है, ओवरऑल अब बहुत अच्छा, ये कंफर्म है आप पैसे कमा रहे हो, शुक्र भी बैठा हुआ है आपके इस धन के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये धन का घर है। वहाँ से भी अगर बात करें फैमिली की, तो क्योंकि मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा गर्म रहेगा माहौल, बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा कंडीशन दिखा रहा है यहाँ पे। थर्ड हाउस की बात करें तो चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं। चंद्रमा और गुरु बहुत अच्छा योग कहा जाता है, गजकेसरी ये कमाल का होता है। ठीक है, गजकेसरी है, यहाँ से आप देखेंगे तो आपके फ्यूचर पे भी देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट माना जाएगा। अब इस घर से देखे जाते हैं आपकी ब्रेवरी, आपकी फीलिंग्स, और आपके जितने भी सिबलिंग्स होते हैं उनको देखा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि चंद्रमा और गुरु दिखा रहा, चंद्रमा इस केस में यहाँ पे अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आपके बहुत फीलिंगफुल बना देंगे, आपके में इमोशंस बहुत हाई हो जाएगा। अगर आपके में इमोशंस बहुत हाई है और शुक्र मंगल साथ बैठा है, तो आपको ये लव अफेयर्स में बहुत ध्यान से जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत करता है, क्योंकि ये बहुत तेज जोड़ता है लोगों से। ठीक है, ये एक
एरोटिक फीलिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और चंद्रमा क्योंकि आपके यहाँ पे दिखा रहा है, आपके फीलिंग्स बहुत बढ़ा रहा है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सतर्क रहेंगे, ठीक है। अब गुरु है यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, इस पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस घर को, ठीक है। बट ओवरऑल अच्छा है ये, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं, ठीक है, ये बहुत बढ़िया माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे इनकी दृष्टि आ रही है इस घर में, आपके हस्बैंड वाले घर में, ठीक है। उसके अलावा कौन देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, गुरु की दृष्टि है, यानी आपको हस्बैंड भी अच्छे मिलेंगे, 8 नंबर यानी मंगल, ठीक है। तो जो आपके हस्बैंड मिलेंगे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है, नॉलेजेबल होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, लेकिन थोड़ा उसके में गुस्सा आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपके हस्बैंड के बारे में ये दे रहा है। उच्च का गुरु है, उच्च का शुक्र है, और आपको बताया उच्च का सूर्य, इनको हम लोग चेक कर लें कि ये रिजल्ट देने के लिए कितने अच्छे हैं। तो नौमास में आके हम लोग चेक कर रहे हैं कि इनके कितने अच्छे। चलिए, गुरु की राशि परिवर्तन हुआ है, उसके अलावा मतलब छठे नंबर में आ गए, चौथे से छः में आ गए हैं। उसके बाद शुक्र का 12 से 10 में आ गए हैं, चंद्रमा का 12 में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ बुध नीच के हो गए, ठीक है, बुध नीच के हो गए यहाँ पे, यानी बुध का स्थिति थोड़ा ख़राब हुआ है, बाकी सब तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बुध की बात है तो त्वरित दिमाग थोड़ा कम काम करेगा, तुरंत दिमाग जो होता है वो कम काम करेगा। वैसे भी यहाँ बुध मंगल के साथ बैठ गया है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत ये यहाँ पे दे भी देता है, बुध को असर डालता है मंगल, ठीक है, तो बहुत एरोटिक बना देता है ये, ठीक है। ये बताया था हमने, एरोटिक होता है ये, जिसके साथ रहते उसके जैसे हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बुध का ध्यान रखेंगे, बुध की दो राशियाँ कहाँ गई, एक ये है 3 नंबर, दूसरा कहाँ गया 6 नंबर, एक यहाँ है, चलिए, यानी बुध को आपको ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है। बुध के लिए आपको गणेश जी की पूजा करिए, बुध का बीज मंत्र पढ़िए, जरूर करिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी और बेटर होकर निकलेंगी। ये इष्टदेव होते हैं आपके, पता ही होगा, ज्ञान और इष्टदेव के मालिक है, इसी घर से देखे जाते हैं। इनका भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है, इसका एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है, और इसका एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। इन तीनों का एक्टिव होने से ही कुंडली सबसे बेहतरीन काम करती है, ठीक है। तो हम लोग बुध पर ध्यान देंगे, बुध क्योंकि नीच के होकर बैठे हैं, ठीक है, और नौमास में भी नीच के होके बैठे हैं, तो ये प्रॉपरली बुरा रिजल्ट देने के लिए ही है, ठीक है। तो इस वजह से इसको सही कर लेंगे हम लोग बुध को, ठीक है, बुध को सही करना ज़रूरी है। अब चलिए यहाँ पे हम बता दिए, अब चौथे घर में आते हैं। चौथे घर में शनि और राहु हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, शनि तो शनि राहु का योग सही नहीं होता है, लेकिन चलिए इसको आगे भी देखते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, जो कि आपका रोग भाव भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से देखा जाता है कोर्ट कचहरी, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। शनि आपके लिए अच्छे हैं, कोई बुरी की बुरे नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी जगहों पे कोई प्लैनेट सही रिजल्ट नहीं देता है, जैसे मान लीजिए इस घर पे रिजल्ट सही नहीं देता है, सातवें पे सही दे देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे कि कोर्ट कचहरी में अगर बचाने की कोशिश करेंगे, अगर होगा भी तो आपके पक्ष में हो जाएगा। दूसरी चीज़ की ये कोई बीमारी होगी तो उसको लंबा स्टे करते, मतलब आपको खराब जल्दी आपको बेड इफेक्ट देने नहीं देते कोई बीमारी को, उसको लंबा लेके जाते हैं, ठीक है। ये शनि का कारक होता है। अब इस जगह से देखेंगे आपकी मम्मी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, और सुख के बारे में। सुख के लिए देखा जाए तो राहू का यहाँ होना थोड़ा सुख में कमी करता है, प्लस शनि का यहाँ होना कहता है कि आपको सुख में कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सुख के लिए प्रॉमिस करते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो राहु यहाँ के लिए बहुत अच्छे हैं, शनि यहाँ के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। शनि कहते हैं जमीन, राहु कहते हैं पैसा, ठीक है। जमीन पैसा ये दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से। उसके अलावा आप मम्मी की बात करें यहाँ पे, तो मम्मी को थोड़ा सा आपके 5 नंबर की वजह से एग्रेशन, शनि की वजह से मुंह पे बोल देने वाले, और राहु की वजह से झटके से गुस्सा आने वाला बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हेल्थ को लेके थोड़ा सचेत रहेंगे अपनी मम्मी के, ठीक है। पाँचवें घर के बारे में देखें तो 6 नंबर यानी बुध की राशि है, और बुध नीच के होके बैठे हैं, इसलिए ये आपका पहले तो कि किसी एक चीज़ में सततता में कमी आ रही होगी, ठीक है, लगातार करने में कोई चीज़ में कमी है, क्योंकि ये क्या है ना, ये त्वरित दिमाग देते हैं, ठीक है, और इसमें लगना ज़रूरी होता है मन, ठीक है। अगर ये ना ठीक हो तो बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलती है, कंट्रोल से बाहर होती हैं, ठीक है, चीज़ें मतलब आपके अंदर आपके मन में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या बता रहे थे, आपका एजुकेशन देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, ठीक है, लव भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका होने का मतलब है कि आपके लाइफ में एक ख़राब प्यार आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है, क्योंकि बुध दिखा रहे ख़राब हो गए ना, इसी घर के स्वामी हैं, और शुक्र मंगल के क्या करते हैं, एरोटिक कर देते, तो यहाँ से देख रहे हैं तो एरोटिक बना दिए, यानी कि आपके, और प्लस यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, इसी घर के जो निगेटिव पार्ट्स हैं, जैसे कि इस घर के प्यार का ना चलने का रीज़न यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ दिखा रहा है शनि और राहु का होना, एक तो धोखा दिखा रहा है,
दूसरा सनी की रीज़न दिखा रहा है, यानी कोई एक नीचता कर दे, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली आपको बुरी लगी होगी, ऐसी चीज़ें यहाँ दिखा रहा इस चीज़ में, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं अब आप छठे घर के बारे में। छठे नगर में यहाँ से गवर्नमेंट जॉब भी देखा जाता है, बीमारी भी देखी जाती है, शत्रु भी देखी जाती है, कोर्ट कचहरी देखी जाती है। सूर्य का यहाँ देखना बहुत अच्छा है, उच्च का सूर्य देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कंफर्म करवा रहा है। उच्च का गुरु, दो ही चीज़ देखी जाती है गवर्नमेंट जॉब में, गुरु ठीक है और सन, ठीक है, सूर्य और गुरु। अब देखिए गुरु आपका उच्च का है, सूर्य आपका उच्च का है, यानी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएँ आराम से, ठीक है। टाइम पूरा टाइम टेबल बनाएं, कब कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसको कंटिन्यू फॉलो करें। आपके बुध थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहे हैं क्योंकि आप सतत नहीं कर पा रहे चीज़ों को, इसको कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बुध का गणेश जी का पूजा करेंगे, बुध का बीज मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, ये डेफिनेटली आप करें, आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। यहाँ बता दिया हमने कि होता, अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सूर्य का देखने का मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब दिला रहा है, शनि का देखने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको कोई जैसे लो ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, और खून की कमी हुई, या उसके अलावा क्या लिखा, 7 नंबर शुक्र लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ों से बचेंगे। ये बीमारी का घर है, ठीक है, इसलिए ये भी देख रहे हैं, हालांकि बचाने का पूरा कोशिश करेंगे। शनि आपको थोड़ा सा निरोग रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे हैं आपके शनि, लेकिन जब कुछ होगा तो लंबा रुकेगा, आपको प्रभाव नहीं डालेगा उस तरीके से। ऐसा नहीं होता ना, जो बीमारी आई कल परसों तक में निपटा के चले गए, तो ये करने नहीं देंगे शनि, ठीक है। फिर 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस में 8 नंबर लिखा है, जैसे हमने बताया कि गुरु उच्च के गुरु की दृष्टि भी है, 8 नंबर यानी कि मंगल की राशि है, थोड़े एग्रेसिव लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है, जो आपके हस्बैंड होंगे, और बहुत अच्छा दिखा रहा है इसमें, ठीक है, आपके हस्बैंड को भी अच्छा दिखा रहा है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। 5वां नंबर यहाँ पे गुरु की फिर राहु की दृष्टि आ गई है, ठीक है, सडन चीज़ें और आपकी अनच्छे क्रियाओं के कंट्रोल करते हैं इसको, ठीक है, और इस जगह पे राहु का देखने का मतलब है कभी आपकी चीज़ें सडनली चेंज होंगी, ठीक है, आपकी लाइफ जो होगी सडन चेंज होंगी, सडन ड्रॉप होंगी, क्योंकि राहु देख रहे हैं सडन चीज़ों के मामले, ये सडनली आपकी चीज़ें बढ़िया करेंगे। गुरु की राशि है और गुरु उच्च के होके बैठे हैं, ठीक है, और राहु की दृष्टि है, और ये जगह जो है ये फीलिंग्स की भी है, ठीक है, और ये जो है आपके गंभीर तरीके से कह सकते हो, बहुत ज़्यादा जब गंभीर आपका कोई दर्द हो या पीड़ा हो तो उस चीज़ को यहाँ से देखा जाता है, इसीलिए सडन लॉस और सडन गेन भी यहीं से देखा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके स्वामी अच्छे हैं आपके, और इस और यहाँ पे कोई बड़ी बीमारी भी देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शनि ने देख लिया तो आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहू का यहाँ देखना थोड़ा सा इस वे में अच्छा है कि यहाँ पे शेयर मार्केट का काम चल जाता है, ठीक है, इस घर पे भी अगर देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं उच्च के गुरु, उच्च के गुरु का यहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना और यहाँ होना, इसका मतलब होता है, और यहाँ होना इसका मतलब होता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लगती है, ठीक है, जो चीज़ें हम समझा रहे हैं वो समझ में आने लगती है। ऊपर से उच्च का गुरु है तो डेफिनेटली समझ में आएगी, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। भाग्य के लिए भी अच्छी बात है कि अगर गुरु देख रहे हैं तो आपको पढ़ाई में आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करवाना, पूरा लेके जाना, ये होता है आपका पढ़ाई जैसे ज्ञान के प्रति कितने कनेक्टेड हैं आप, ठीक है। ये यहाँ पे बुध को कमज़ोर नहीं करना है, इसको ठीक करना है, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई जो भी ये हम दिखा रहे हैं जॉब के बहुत प्रॉपर चांस बन रहा है, ठीक है, गुरु स्ट्रांग है, इसको एक ख़राब प्लेनेट, जैसे कहते हैं ना चांद तो चमकता है लेकिन एक दाग के लिए वो जाना जाता है, एक ख़राब प्लेनेट आपकी पूरी चीज़ों को करने में बाधा डाल देती है। जैसे यही देख लो आप, हमने सर्कल बनाया लेकिन इतना ही छूट गया था तो ये अब सर्कल ही नहीं रह गया, सेम ऐसे ही कहा जा सकता है। सारे बेहतरीन प्लेनेट है, बुध को बेटर करिए, रिजल्ट आएगा ही रहेगा, कन्फर्म आएगा। इस घर की बात करें, ये आपके पिताजी का घर है, केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए राहु का बैठने का मतलब है आपकी मम्मी से कहा सुनी होना, केतु के बैठने का मतलब कुछ कमी फील करवाना पिता में, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा इस घर से देखा जाता है आप कितने परिश्रमिक हैं, कितना मेहनत करते हैं, तो शनि का देखना तो बहुत बेटर होता है, राहु का भी देखना बहुत बेटर है, इस वे में कहा जाए तो आपने मेहनत भी किया है, ठीक है। लेकिन केतु का होने का कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ कमी किया और ये आप कर भी लोगे फिर, ठीक रीज़न है क्योंकि ये लोग बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, अगर ये एक्टिव हैं और केतु कह रहा है कि कुछ कमी है तो आप कर भी लोगे, ठीक है, डेफिनेटली कर लोगे, आप बड़े पद पर जाओगे, आप टेंशन ना लो। फिर यहाँ से बात करिए, लक्ष्मी का घर है, यहाँ से लक्ष्मी को देखी जाती है, पैसे कमाना देगा, तो उच्च का शुक्र बैठा है, शुक्र इस जगह के बेहतरीन कारक होते हैं और वो भी उच्च का होकर बैठे, आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मिठाई खिलाइएगा। 12वें नंबर पर सूर्य बैठे हुए हैं, 12वें हाउस में सूर्य बैठे उच्च के होके, ये भी और भी अच्छी बात है। अभी तक आप हो सके तो कहीं बाहर घूमने जा चुके होंगे, लंबी दूरी यानी कि
400-500 किलोमीटर तो एटलीस्ट दूर जा चुके होंगे। विदेश भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। उच्च का सूर्य यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने के लिए कारक होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से लेके आते हैं। पहले क्या है ना कि पहले ना विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था, देश निकाला होता था वो, तो उसके लिए यहाँ पे राहु रहता तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता, और किसी ख़राब जगह ख़राब राशि में। अब सूर्य अपने ही राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है इस जगह से, ठीक है। तो विदेश जाने के ये अच्छा रिजल्ट नहीं मानते, लेकिन अब इस चीज़ को धीमे धीमे ये बदलते जा रहा है, इसे अच्छा माना जा रहा है, तो पॉसिबल है ये आपको लेके जाएगा बाहर कहीं घुमाने। अगर नहीं तो एक चीज़ तो है कि ये किसी गुप्त ज्ञान में आपको लेके इंटरेस्ट बनाएगा, ठीक है, किसी गुप्त ज्ञान में इंटरेस्ट आपका बना देगा, आप उस चीज़ को लेने, क्योंकि ये बहुत गुप्त ज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं इन दोनों घरों को, ठीक है, तो उसमें भी आपको लेके जा सकता है ओवरऑल, ठीक है। बात करें अगर आपके शादी के लिए क्या होगा कैसा होगा, तो देखिए ओवरऑल ये आपका चार्ट है, ठीक है, शादी के लिए चार्ट है। शुक्र का यहाँ होना बहुत अच्छा माना जाता है शादी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सुखभाव है, सुखभाव में केतु का होना कुछ कमी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम देख लें कि यहाँ कौन और देख रहे हैं, तो यहाँ सूर्य नीच के हो गए हैं, देखिए यहाँ पे गड़बड़ एक हो गया। आप यहाँ पे सूर्य उच्च का देख रहे हो, यहाँ पे सूर्य नीच का देख रहे हो, तो इसका मतलब सूर्य की अच्छाइयों को ये कम कर रहा है चार्ट, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सही करेंगे, ठीक है, इस पर भी ध्यान देंगे अभी बता दें। तो यहाँ पे आप देखिए सुख भाव को, तो सुख भाव में केतु कुछ कमी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके सुख में कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कमी है। फिर राहु और सूर्य का देखने का मतलब है कि आपको शादी के बाद थोड़ी दिक्कत दिखा रहा है, बट क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा है, ये रोमांस और इन सब के कारक होते हैं, तो पूरे चार्ट के हेड में आके बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये इसको लेके अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आ रहे हैं, इसको हम लोग सही कैसे करें। सूर्य जो यहाँ पे नीच के होके बैठे हैं और लग्नेश में सूर्य ऊंच के होके बैठे हैं, जिस वजह से आपको ये गवर्नमेंट जॉब के लिए पुख्ता करवा रहे थे, अब यहाँ गड़बड़ हो गया, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सुबह उठ के आप पानी तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हैं दे दीजिए, सूर्य बीज मंत्र पढ़िए, ठीक है, सूर्य बीज मंत्र, क्योंकि सूर्य को आपको बस थोड़ा ही सा सही करना है, बुध को ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो बुध को सही करिए, सूर्य को थोड़ा सा सही करिए, गवर्नमेंट जॉब आपका बहुत अच्छा दिखा रहा है और बहुत अच्छे पद पर दिखा रहा है। अच्छा पद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु का भी कंडीशन बहुत अच्छा है, 3-4 प्लेनेट बहुत अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। अब हम देखिए और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आपके पारंपरिक में आकर दशा में बता दे रहे हैं, पहले एक मिनट, यहाँ हम देख लें अगर लगन में, तो लगन में आपके राशि, आप एक काम करिएगा शादी के लिए, ठीक है, लाल रंग का एक धागा ले लीजिएगा, ठीक है, लाल रंग का धागा लीजिएगा और इसमें एक रुद्राक्ष लगा लीजिएगा, पंचमुखी रुद्राक्ष, ठीक है, मंगलवार को पहनिएगा इसको, ठीक है, मंगलवार को पहनिएगा पूजा पाठ करने के, बढ़िया से इसका पूजा पाठ कर दीजिएगा और मंगलवार को पहनिएगा, मंगलवार को फास्ट रहिएगा, ठीक है, ये भी एक बेटर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। उसके अलावा जो सूर्य का बताया वो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके कौन सी दशा चल रही है, ठीक है, दशा में आपका चल रहा है इस समय 2022 से चालू है 2029 तक मार्स का, मंगल का ही चल रहा है, ठीक है, मंगल का ही अगर चलेगा तो केपी सिस्टम में मंगल कहाँ जा रहे हैं, सन यहाँ आ गए हैं, केपी चार्ट में सन यहाँ है, मार्स आ गए हैं सन के साथ, मरकरी भी हैं सन के साथ, चलिए ठीक है, मार्स आए यहाँ पे, तो यहाँ से आके इसको देख रहे हैं, यानी जॉब के लिए पर्याप्त बढ़िया जगह है ये, इस समय जॉब के लिए बहुत अच्छा टाइम हो गया आपका मंगल का, और थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन भी है, तो इस समय एक्सीडेंट से बचिएगा, ठीक है, उसी की दशा चल रही है, वीनस केतु के साथ है, पीड़ित हो गए यहाँ पे, ठीक है, सैटर्न मून ये नहीं थी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सुख भाव में सैटर्न और मून होने का मतलब है सुख के लेके कुछ कमी, जैसे आपको यहाँ पे हम दिखा रहे थे आपके में यहाँ राहु थे, ठीक है, राहु थे, इसका मतलब क्या कह रहे थे, आपकी मम्मी से थोड़े बहुत झगड़े हो रहे हैं और वो सुख भाव में भी कमी कर रहे थे, यहाँ सुख भाव को दिखा क्या रहा है कि सुख भाव में सैटर्न और मंगल का मतलब है कि आपको छोटी बातें ज़्यादा बुरी लग जाती हैं, सैटर्न और मून जब एक साथ होते हैं तो छोटी छोटी बातें ज़्यादा बुरी लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ भाग्य भाव को फिर से जुपिटर देख रहे हैं, यहाँ तो ठीक है, बस उनका राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक है, कोई और प्लेनेट जो इस ज़्यादा चेंज किए हों, यहाँ है, इस जगह को पहले कौन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, बुध मरकरी, ठीक है, मरकरी फिर देखिए यहाँ पे नीच, क्योंकि आपको मरकरी का तो डेफिनेटली इलाज करना होगा, मरकरी आपके हर चार्ट में ख़राब दिखा रहा है, ठीक है, मरकरी सही करना ही करना होगा। चलिए अब हम इसके हिसाब से देख लें, तो अभी आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है मंगल का, ठीक है, यानी यहाँ से इसी वजह से आपका एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट और बढ़ रहा होगा,
ठीक है। उसके अलावा विदेश जाने के चांसेस भी बना देंगे, ठीक है, बाहर घूमने के, विदेश जाने का, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग, अगर देखें तो दशा में मार्स में मंगल के अंदर किसकी दशा चल रही है अभी को, 2023 के चौथा महीना और 2024 के पाँचवें महीने तक राहु चलेंगे। राहु के अंदर आपका राहु और जुपिटर, यहाँ आपके देखेंगे अगर तो छठे महीने तक राहु है, उसके बाद से जुपिटर आ गया है ना, तो राहु और जुपिटर, चलिए राहु और जुपिटर को देखते हैं केपी चार्ट में। राहु और जुपिटर मार्स में, राहु और जुपिटर, तो आ गए हम मार्स को ला लिए, ठीक है, ये आ गया मार्स में। राहु और जुपिटर कहाँ गए, जुपिटर, बहुत अच्छा, सुख भाव दिखा रहा है, जॉब दिखा रहा है और आपको दिखा रहा है, यानी कंफर्म है, इसी बीच आपका जॉब कंफर्म हो रहा है, ठीक है। ये सुख भाव का एक्टिव होना जरूरी है, सुख आएगा तभी ना, सुख है मतलब ये कह रहा है कि आप जॉब भी है, सुख भी है और ये आपसे रिलेट भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मंगल का यहाँ से यहाँ देखने का मतलब था ये जॉब के लिए कारक हो रहे थे, एक्सीडेंट के लिए नहीं, थोड़ा एक्सीडेंट से भी बच के रहेंगे, लेकिन आपका जॉब लगने के पूरा कन्फर्म दिखा रहा है इसमें, ठीक है। और सन अभी आपके है भी लगन में ही मंगल के साथ इसमें दिखा रहा, ठीक है। तो राहु और जुपिटर दोनों ही केस में आपको जॉब लगने के क्लियर चांसेस दिखा रहे हैं, यानी अभी आपके लग भी जाएंगे, अब जल्द से एज सुन एज पॉसिबल आपके लग जाएंगे। चलिए अब शादी के लिए देख लेते हैं, तो हमको बुध को लेके आना है, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से दशा में, दशा में आपके आ गए 2023 में मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, और मार्स कौन थे सब लॉर्ड अपने इसके, सब लॉर्ड निकाल रहे हैं, प्लेनेट सब में हमको ये देखना था किसका, 8 नंबर मंगल का, तो मंगल कहाँ गया, मंगल में आ गए, राशि था गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, खैर कोई बात नहीं, नक्षत्र देखना था, वो बुध के नक्षत्र में, ये डिले कर रहा है, बुध के नक्षत्र में है, सब लॉर्ड शनि है, ठीक है, बुध और शनि पे ध्यान देना है, ठीक है, बुध और शनि पे ध्यान देना है। अब लगन पे आते हैं, बुध और शनि पे ध्यान देते हैं, तो बुध को ठीक करेंगे तो आपकी शादी के भी लिए भी ठीक होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबर मंगल का है ना राशि, अभी देखा हम लोगों ने मंगल के कारक ग्रहों में कौन कौन है जिनकी वजह से मंगल इस घर का रिजल्ट देने लगेंगे, कब, जब हमको बुध और शनि का भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बुध और शनि को देखने के लिए हम लोग आ रहे हैं फिर से दशा में, दशा में आने के बाद हम लोग आ गए हैं बुध और शनि, मंगल बुध और शनि में, ठीक है, 2022 में ख़त्म हो गया, यानी मंगल में ही चल रहा है, ठीक है, मंगल में चल ही रहा है, शादी का भी टाइम चल रहा है आपका, मंगल में बुध में शनि, दो हज़ार 23 का 11वां महीना, 2023 का 11वां महीना, ठीक है, 2023 का 11वें महीने में एक बार शादी की आपका फिर से बात चलेगी बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है। तो आप जॉब का पहले ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, आप कुछ अच्छा कर लेंगे उसके बाद कुछ और अच्छा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप जॉब पे प्योर फोकस करिए और जॉब पे जाइएगा, ठीक है, पहले फिर शादी भी आइएगा, बाकी सब आपके प्लैनेट्स वलनेट्स सब कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा दिखा रहा है सब कुछ, ठीक है। जो बताया था हमने आपको वो करना है कि बुध का इलाज करना है आपको, क्योंकि बुध को ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रहा है, और सूर्य का भी थोड़ा इलाज कर लीजिए, ठीक है, हैं भले उच्च के 9 मास में आपके इनको दिक्कत दिखा रहा, ठीक है, और बुध का हर जगह ही दिक्कत दिखा रहा, ठीक है, तो इसको सही करेंगे।
चलिए, और बाकी जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आपसे पूछ लीजिए, बाकी सब इस चैट में बहुत अच्छा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।